प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार रात सड़क मार्ग से नर्मदा उद्यम पवित्र नगरी अमरकंटक सपत्नी पहुंचे। अमरकंटक दीनदयाल चौक पर कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, इनमें महिलाएं भी शामिल रही। शुक्रवार सुबह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ नर्मदा मंदिर में पहुंचकर मुख्य कुंड स्थल पर माता नर्मदा की पूजा अर्चना की है। मंदिर में जाकर माता के चरणों में अपना माथा टेका है और प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भैया और मामा के रिश्ते परमानेंट है, इनका पद से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के दौरान मैंने भी जनता के बीच जाके और कई संकल्प व्यक्त किए थे, चाहे वो माता बहन और बेटियों के संबंध में हो, किसानों के संबंध में हो, भांजे भांजियों के संबंध में हो, विकास के बाकी कामों के संबंध में हो। जैसे यही हमने तय किया था कि नर्मदा लोक बनेगा, ये सारे संकल्प पूरे हो, नई सरकार इन संकल्पों को पूरा करेगी, मैं पूरी तरह से सहयोगी होऊंगा और जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार का ध्यान भी दिलाऊंगा। प्रदेश के सेवक के नाते जनता से मेरे रिश्ते भाई के और मामा के हैं। भाई और मामा के रिश्ते परमानेंट होते हैं, उनका पदों से कोई संबंध नहीं होता। तो मैं अपने बहनों भाइयों की, भांजे भांजियों की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है और उस परिवार की माँ है नर्मदा मैया। हमारा पूरा परिवार सुखी रहे, आगे बढ़ता रहे, मैं भी अपने पूरे परिवार की, पूरे प्रदेश की जनता की, परिवार के सेवक के नाते सेवा करता रहूंगा। यही कृपा माँ की बनी।